मैं किरण और हम लोग यहाँ पे हरिद्वार में हैं। हम लोग यहाँ पे विनय जी से बात करेंगे, जो एक बहुत ही सुर्खियों में टॉपिक चल रहा है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एलोपैथी वर्सेज आईएमए। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पतंजलि से विनय जी आ रखे हैं, उनसे हम क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये विनय जी। देखिए किरण जी, बहुत बहुत आपका आभार, आपने एक अच्छी मुहिम छेड़ी है और इसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि दरअसल आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर जो ये विवाद है, ये महज स्वामी रामदेव और एलोपैथिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप देखो कि इसमें कहीं ना कहीं पूरी भारतीय संस्कृति को टारगेट किया गया है। किरण जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में आयुर्वेद को लेकर के जितना भी काम हो रहा है वो सबसे ज़्यादा किया है स्वामी रामदेव। और आज कोविड के इस दौर में आपने देखा होगा कि आपके घरों में माता जी हैं। पहले क्या होता था, रसोइयों में हमारे परंपरागत ट्रेडिशनल सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें रहती थी, हल्दी हो गई, सौंठ हो गई, ठीक है, या तुलसी हो गई, गिलोय हो गई, इन सब का हम काढ़ा पीते थे, ठीक है, इसके माध्यम से अपना उपचार करते थे। लेकिन एलोपैथी जिस तरीके से हावी हुआ हम सबके ऊपर, उसने क्या किया कि हमें तत्काल रिलीफ तो दिया लेकिन कोई खास समाधान नहीं निकला। तो मैं समझता हूँ कि योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर के जिस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिस तरीके से स्वामी रामदेव को लेकर के उन पर आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप कर रहा है, ये गलत ही शर्मनाक है। आप किरण जी मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे समय में जब भारत देश की अस्मिता खतरे में है तो योग गुरु बाबा रामदेव को क्या हिमालय में बैठ करके तपस्या करनी चाहिए थी? क्या करना चाहिए था ऐसे समय में? एक योगी ने, कर्मयोगी ने कंदरों और गुफाओं से निकल करके योग को, आयुर्वेद को संपूर्ण विश्व में गौरव दिलाया। मैं एक बात कहता हूँ कि स्वामी रामदेव ने इतना बड़ा काम इस देश की संस्कृति के लिए किया है, आयुर्वेद में, शिक्षा में, चिकित्सा में, विज्ञान में, अनुसंधान में, कि उन्हें नोबल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि 2019 में UNSDG ने स्वामी आचार्य बालकृष्ण को सम्मानित किया वर्ल्ड के 10 प्रतिष्ठित लोगों में आयुर्वेद के फील्ड में, स्वास्थ्य सेवाओं के फील्ड में काम करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को स्वामी रामदेव जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और कल ही जो है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। देखिए विनय जी, एक बहुत ही सुर्खियों में जो टॉपिक चल रहा है कि जो बाबा रामदेव जी हैं, हमारे स्वामी रामदेव जी हैं, क्या वो एक व्यापारी हैं? वो सिर्फ क्या अपने बारे में सोच रहे हैं या अपने एसोसिएशन के बारे में सोच रहे हैं? देखिए किरण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्या बाबा रामदेव एक व्यापारी हैं? आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग ये सवाल का हल जानना चाहते हैं, क्या बाबा रामदेव एक व्यापारी हैं? मैं पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों को, बुद्धिजीवियों को एक चैलेंज देता हूँ कि व्यापारी की परिभाषा क्या होती है। व्यापार में और राष्ट्र सेवा में बहुत बड़ा अंतर होता है। व्यापार जो अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है वो व्यापार होता है, लेकिन जो व्यापार देश की आन बान शान के लिए, धर्म दर्शन संस्कृति के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए, चिकित्सा में, ठीक है, और चैरिटी के लिए किया जाता है, वो व्यापार नहीं, वो राष्ट्र धर्म होता है। और वही काम स्वामी रामदेव जी महाराज ने किया है। आप देखिएगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का केंद्र स्वामी रामदेव जी ने स्थापित किया है, जो कि सेवा और स्वास्थ्य में रहा। रिसर्च के फील्ड में आयुर्वेद का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम भी पतंजलि योगपीठ में हुआ है, जिसमें क्लिनिकल कंट्रोल का ट्रायल हुआ है। तो इस तरीके से चाहे शिक्षा हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अनुसंधान हो, सब में स्वामी रामदेव जी ने बढ़ चढ़ के काम किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान है।